नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार चौधरी। आज का अपना लेक्चर रहेगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, अपन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस मेजर करते क्यों हैं और करने के लिए क्या क्या अपने पास में उसके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऑल व्हीकल्स डोंट ट्रेवल एट अ डिजाइन स्पीड, कि सारे जो व्हीकल्स होते हैं वो एक ही स्पीड पर ट्रेवल नहीं करते, उनकी स्पीड जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, या यूँ कह दीजिए कि नीड टू ओवरटेक स्लो मूविंग ट्रैफिक बाय ए फास्ट मूविंग व्हीकल, कि कोई व्हीकल स्लो चल रहा है और पीछे की तरफ से उसके पास एक तेज़ चलता हुआ व्हीकल आ रहा है जो उसको ओवरटेक करेगा। एडुकेट साइड डिस्टेंस फॉर ओवरटेकिंग शुड बी प्रोवाइडेड अलोंग द अलाइनमेंट, और जैसे जो रोड होता है, जैसे मान लीजिए ये रोड आपका, ठीक है, तो जो साइड डिस्टेंस होती है वो अलोंग द अलाइनमेंट होती है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि कोई कर्व है तो वो यहाँ से दिखेगा, ऐसे नहीं होता, उसको अलाइनमेंट के से देखना पड़ता है, अलाइनमेंट के अलोंग द डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू द विजन ऑफ द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल इंटेंडिंग टू ओवरटेक स्लो मूविंग व्हीकल अहेड विद सेफ्टी अगेंस्ट द ट्रैफिक इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का डेफिनेशन हो गया कि तेज चलते हुए व्हीकल को अगर स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करना है तो कम से कम इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि उसको ओवरटेक करके उसके आगे पहुंच जाए और फिर भी उसके पास में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जितना डिस्टेंस बचा रहे। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये यहाँ पे इसको डायग्रामेटिक बता गया है कि जैसे मान लीजिए एक ट्रक है और पीछे से कोई कार या जीप आ रही है, तो अपन यूजुअली देखते हैं कि जो ट्रक होता है वो स्लो मूविंग होता है और कार और जीप होती है वो फास्ट मूविंग होती है। तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ से यहाँ मिनिमम डिस्टेंस बना के रखेगा और फिर यहाँ से जब ओवरटेक करना शुरू करेगा तो ये व्हीकल थोड़ा सा आगे चला जाएगा और इसको आगे लेके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ओवरटेकिंग, इस तरह से ओवरटेकिंग की जाती है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसके लिए। ठीक है, तो देखिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो जो ड्राइवर हाइट होता है वो 1.2 मीटर होता है और जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है वो भी 1.2 मीटर होता है, क्योंकि दोनों क्या होती हैं, कार्स होती हैं। ये करेगी ओवरटेक और ये सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तो इन दोनों की हाइट सेम रहेगी। तो द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द सेंटर ऑफ द रोड विच अ ड्राइवर विद हिज आई लेवल एट 1.2 मीटर अबव द रोड सरफेस कैन सी एन ऑब्जेक्ट 1.2 मीटर अबव द रोड सरफेस, कि 1.2 मीटर रोड सरफेस के ऊपर जो व्हीकल है उसको सामने से 1.2 मीटर आई पे आते हुए ऑब्जेक्ट को वो देख सके और ओवरटेक कर सके इससे पहले कि वो एक दूसरे के पास आए। ठीक है, ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या उसमें कंसिडर होते हैं, तो वेलोसिटी। ठीक है, अपन ने देखा कि सारे जो व्हीकल्स है वो एक ही स्पीड में मूव करेंगे तो ओवरटेक नहीं होगा, तो इसके लिए क्या होता है, एक स्लो मूविंग होता है और एक फास्ट मूविंग। तो वेलोसिटी जो वो ओवरटेकिंग व्हीकल ओवरटेकन व्हीकल एंड ऑफ द व्हीकल कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तीनों की वेलोसिटी अपन को पता होना जरूरी है। ठीक है, ओवरटेक निकालने के लिए, या कह दीजिए जो ओवरटेकन व्हीकल होता है उसकी और व्हीकल इन द अपोजिट डायरेक्शन दोनों की पता होना चाहिए। जो ओवरटेकिंग व्हीकल होता है उसकी वेलोसिटी अपन इसके ओवरटेकन व्हीकल के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, और यदि ओवरटेकन व्हीकल की भी वेलोसिटी नहीं दी गई हो तो उसकी वेलोसिटी वी डिजाइन -16 मान लेते हैं किलोमीटर में, यह भी आपको बता देंगे। ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल्स विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द स्पीड, कि उसके बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पेसिंग होगी। स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, ठीक है, देखिए आमतौर पर मान देते हैं कि वो 2 सेकेंड में वो डिसीजन ले लेगा कि उसको क्या करना है। ठीक है, लेकिन ये टाइम मैंने कल बताया था आपको SSD में कि स्किल्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि ड्राइवर की स्थिति कैसी है और उसकी स्किल कैसे है। ठीक है, रेट ऑफ एक्सलेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, कि किस रेट से वो एक्सलेट कर रहा है एक दूसरे वो ड्राइवर व्हीकल को, और ग्रेडियंट ऑफ द रोड, इसका फ़र्क कम पड़ता है, या यूँ कह दीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए जब ग्रेडियंट है तो जो ओवरटेकन व्हीकल होता है और ये जो दूसरा ओवरटेकिंग होता है वो दोनों सेम ग्रेडियंट पे चल रहे होते हैं, तो इसका इफेक्ट कम पड़ता है। इसका इफेक्ट पड़ेगा जब सामने से कोई व्हीकल आ रहा होगा तब, उसमें इसमें क्या होगा, इसके पास टाइम कम होगा क्योंकि इसको जो ग्रेडियंट होगा वो हेल्प करेगा मूव करने में और इसको अपोज करेगा मूव करने में। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ग्रेडियंट का इफेक्ट जो दोनों व्हीकल्स होते हैं ओवरटेकन एंड ओवरटेकिंग उस पर नहीं होता, जो सामने से आ रहा है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब टू वे रोड की बात करते हैं। ठीक है, तो अ व्हीकल एट ट्रेवलिंग एट डिजाइन स्पीड वी डिजायर टू ओवरटेक अ स्लो मूविंग व्हीकल बी,
ठीक है, एट VB, ठीक है। तो ये जो VB आ गई वो हो गई स्पीड ऑफ द बी व्हीकल। बी व्हीकल कौन सा है? जो स्लो चल रहा है, और ए व्हीकल अपने किसको माना, जो तेज चल रहा है। द व्हीकल ए हैज़ टू वेट टिल ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ओवरटेक बी, एक्सेलरेट, शिफ्ट टू द अपोजिट लेन एंड कम्प्लीट द ओवरटेकिंग। देखिए ओवरटेकिंग कैसे होता है, सिंगल लेन पर ओवरटेकिंग कर नहीं सकते हैं, पहली बात तो। जब डबल लेन हाईवे होगा उसी पे अपन ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बी व्हीकल यहाँ जा रहा था, ये क्या करेगा, यहाँ से आएगा, इस लेन पे शिफ्ट होगा और आगे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे होती है ओवरटेकिंग। अभी इसका डायग्राम अपन ने देखा था, उसको आगे भी देख लेंगे, ठीक है। रिटर्न टू द लेफ्ट लेन विदाउट कोलाइडिंग द अपोजिट व्हीकल सी, जो अपोजिट व्हीकल आ रहा है वो सी व्हीकल होगा जो अपोजिट लेन से आ रहा है, ठीक है। इस सब का जो डायग्राम है वो अगली स्लाइड में है, देखिए ये रहा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ए वन से ए टू पोजिशन पर जाएगा, तब तक वो डिसाइड कर लेगा कि उसको ओवरटेक करना है, ठीक है। तब तक जो बी व्हीकल था वो यहाँ से जाके यहाँ चला जाएगा। कब जाएगा, जब ये ए टू से ए थ्री पोजिशन में पहुँच जाएगा। इसी दौरान जो सी पोजिशन थी वो सी से सी वन से सी टू पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये फिनोमिना होता है। तो देखिए जब ए वन से ए टू जाएगा तो उसको डिसाइड करने में टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा डी वन डिस्टेंस, ठीक है। फिर जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो देखिए इसको तीन भागों में बांटा है। ये तो गया एस, क्योंकि मिनिमम स्पेसिंग होना चाहिए व्हीकल को रोकने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी मिनिमम स्पेसिंग होना चाहिए, तो एस और एस क्या हो गई, मिनिमम स्पेसिंग टू सेफली यू नो स्टॉपिंग स्टॉप द व्हीकल, ठीक है। और बी क्या हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी, दूरी सोच सॉरी इन जब बी वन से बी टू जब व्हीकल, क्योंकि इसको जब यहाँ से मान लीजिए टी टाइम लगेगा, तो टी टाइम में ये भी कुछ ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, क्योंकि ये भी चल रहा है, तो वो डिस्टेंस बी हो जाएगी। तो जो डी टू हो जाएगा उसका मान हो जाएगा 2s+b। इसी दौरान, इस होल फिनोमिना के दौरान, ये जो फिनोमिना हुआ उसके दौरान जो सी था ये यहाँ से सी टू में चला जाएगा, ठीक है। सी वन से सी टू चला जाएगा, ये हो जाएगी अपनी डी थ्री डिस्टेंस, ठीक है। कोई डाउट, चलिए आगे चलते हैं। तो जो मैंने अभी समझाया उसको इसमें लिख रखा है कि डी वन इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ओवरटेकिंग व्हीकल ए ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम टी। अब मैंने बताया था आपको रिएक्शन टाइम, उसको सोचने में टाइम लगेगा कि उसको ओवरटेक करना है कि नहीं करना, सामने से कोई व्हीकल आ तो नहीं रहा, क्योंकि वो देखेगा भी ये बात, ठीक है। और अगर कोई सामने से व्हीकल आ रहा है तो वो ये अपने आप को जस्टिफाई करेगा कि हाँ मैं, ये जो व्हीकल आएगा ये मेरे से कोलाइड होगा, उससे पहले मैं वापस लेन में शिफ्ट हो जाऊँगा, ठीक है। तो टाइम टी इसका मान 2 सेकेंड माना जाता है आइडियल कंडीशन में, ठीक है, ये याद रखिएगा, अभी बता देंगे आपको और लिखा हुआ। तो टी ऑफ द ड्राइवर फ्रॉम अपोजिट ए वन टू ए टू जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द ओवरटेक बी। जैसे ही वो बी से ओवरटेक करना स्टार्ट करेगा, उससे पहले वो डिसाइड करेगा, उसको बोलेंगे डी वन। फिर है दूसरा डी टू। तो डी टू इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ओवरटेकिंग व्हीकल ए ड्यूरिंग द एक्चुअल ओवरटेकिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग टाइम कैपिटल टी। ये जब होल फिनोमिना, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बार वापस चलिए, ठीक है, एक बार वापस चलते हैं अपन। तो देखिए ये जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ यहाँ पहुँचने में, ये हो जाएगा कैपिटल टाइम टी, इतना टाइम इसको ओवरटेक करने में लग रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग टाइम टी। और डी थ्री इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सी ड्यूरिंग द एक्चुअल ओवरटेकन टाइम टी। इस टाइम में जितनी दूरी ये तय करेगा वो हो जाएगा इसका डी थ्री, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये इसका एक और ग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि जैसे वो यहाँ से यहाँ आया तो डी वन, फिर वो इस लाइन में शिफ्ट होगा और यहाँ पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल टाइम टी टू टी, ये स्मॉल टाइम टी, और इतने कैपिटल टाइम टी में यहाँ से यहाँ आ जाएगा ये व्हीकल सी, ठीक है। ये हो जाएगा डी वन फेज वन, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ डी टू फेज टू, जिसको दो भागों में बांट सकते हैं, और ये हो जाएगा डी थ्री फेज थ्री, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अजम्पशंस इन एनालिसिस, क्या क्या अजम्पशन करते हैं, अभी मैंने बताया कि अगर वेलोसिटी दे भी नहीं रखी होगी तो वी डिजायर -16 कर लेंगे उसको, और जो वी ए नहीं दे रखा होता मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसको वी बी के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया कि द ओवरटेकिंग व्हीकल इज फोर्स टू रिड्यूस इज स्पीड फ्रॉम डिजाइन स्पीड टू द स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इसके इक्वल आएगा तभी तो पीछे पीछे चलेगा, अगर तेज आता रहेगा तो उसके पीछे से भिड़ा देगा, ठीक है।
मूव बिहाइंड इट एट ए स्पेसिंग एस टिल एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन, ठीक है, कि जब तक उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि सामने से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है मैं इसको ओवरटेक करूँ, तब तक वो उसी की स्पीड में उसके पीछे पीछे चलता रहेगा और एक स्पेसिफिंग सेफ स्पेसिंग बना के रखेगा एस। व्हेन ड्राइवर ऑफ व्हीकल ए फाइंड्स अ गैप डिसाइड विद इन हीज रिएक्शन टाइम टी टू एक्सेलरेट एंड ओवरटेक बी ड्यूरिंग हिज टाइम व्हीकल ए मूव्स स्पीड ऑफ वी बी, ये कि वी बी की स्पीड से मान के चलते हैं फ्रॉम ए वन टू ए टू। द व्हीकल ए एक्सेलरेट्स एंड ओवरटेक बी विद अ डिस्टेंस डी टू ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी, ठीक है, टी टाइम कैपिटल टी टाइम में उसको ओवरटेक करेगा, ठीक है। द डिस्टेंस डी टू स्प्लिट्स इन थ्री पार्ट्स, उसको तीन भागों में पाटा गया। मैंने कहा था स्पेसिंग एस बिटवीन ए टू टू बी वन, स्पेसिंग एस बी टू टू ए थ्री, भाई जैसे एक तो उसके पीछे पीछे चल रहा था तब वो, और एक उसके जस्ट आगे निकल गया वो, और ये इतने टाइम में बी के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो स्पेसिफिंग ए टू एंड बी वन, डिस्टेंस बी ट्रेवल बाय स्लो मूविंग व्हीकल बी वन टू बी टू एंड स्पेसिंग बिटवीन बी टू एंड ए थ्री, ठीक है। ड्यूरिंग टाइम टी व्हीकल सी इन अपोजिट ट्रेन विल ट्रेवल फ्रॉम सी वन टू सी टू ड्यूरिंग ए डिस्टेंस डी थ्री, ठीक है, डी थ्री डिस्टेंस ये चल लेगा। अब देखिए इसकी ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है कि देखिए डी वन टाइम में अपन ने देखा कि वो वी बी स्पीड से चल रहा था और टी टाइम के लिए चला, ठीक है, और टी टाइम मैंने बता दिया कि जो स्टैंडर्ड रिएक्शन टाइम है वो होता है 2 सेकंड का, ठीक है, जबकि याद रखिए जो एस एस डी में स्टैंडर्ड रिएक्शन टाइम होता है वो 2.5 सेकंड का होता है, ठीक है, इसको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो डी वन हो जाएगा वो वी बी वेलोसिटी से चलेगा, उस टाइम पर उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा जीरो, ठीक है, तो वी बी इन टू टी डी वन हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया इसको, ठीक है, इसको मार्क कर दीजिए कि जो डी वन हो जाएगा वो हो जाएगा ये वी बी इंटू टी या टू वी बी, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए अब जब डी टू की बात आती है तो उसमें आ जाता है टू एस प्लस बी, सॉरी जब डी टू की बात आती है तो वो जाता है टू एस प्लस बी, ठीक है। अब जो एस होता है वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिक होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.7 VB+6, ये कब होता है जब वी बी को आप किलोमीटर पर सेकंड में लेते हो, ठीक है, वी बी को किस में लेते हो किलोमीटर पर सेकंड में 0.7 VB+6, ठीक है। तो बी विल, और जो बी हो जाएगा, मैंने कहा था कि जो बी व्हीकल होता है वो कैपिटल टी टाइम में कितनी दूरी चलता है, तो जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी वी बी इंटू कैपिटल टी, ठीक है। अब कैपिटल टी कितना होता है, इसका जो वैल्यू आता है वो होता है स्क्वायर रूट 4S/A, यहाँ से टी विल बी इक्वल टू कैपिटल टी विल बी इक्वल टू इन रूट ऑफ 4S/A, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में जो डी टू की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी अपने पास में ये वाला वी बी इंटू कैपिटल टी प्लस टू, क्योंकि एस टू एस है तो टू इंटू एस की वैल्यू 0.7 VB+T, ठीक है। और उसके बाद में डी थ्री की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी वी इंटू कैपिटल टी, वी क्या है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ व्हीकल सी, ठीक है, इसको डिजाइन स्पीड भी कह सकते हो। और अगर वी भी नहीं दिया गया, अभी मैंने बताया अगर वी भी नहीं दिया गया हो तो उसकी वैल्यू जाती है वी माइनस कैप 16, वो होता है किलोमीटर पर सेकेंड में। और यदि मीटर पर सेकेंड की बात करेंगे तो जो वी बी की वैल्यू आएगी वो आएगी वी माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। तो अपन ने डी वन डी टू और डी थ्री की वैल्यूज अपन ने निकाल ली, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास में डी वन और ये डी टू एंड डी थ्री, ठीक है, ये अपने पास वैल्यूज है। और जो कैपिटल टी था उसका फॉर्मूला है रूट में 4S/A, और जो एस था वो जाएगा 0.7 VB+6, ठीक है, और जो बी था वो जाएगा वी बी इंटू टी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो जो ओ एस डी हो जाता है वो टोटल ओ एस डी हो जाता है डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, ठीक है। अब अगर वन वे हाईवे है, जैसे उसमें सॉरी टू वे हाईवे लेकिन उसमें डिवाइडर नहीं है, तो जो ओ एस डी हो जाएगा वो हो जाएगा डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री। और यदि डिवाइडेड हाईवे है उसमें अपन डी थ्री को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें अपोजिट से कोई व्हीकल नहीं आता है, तो वैल्यू हो जाएगी डी वन प्लस डी टू, ठीक है। चलिए, थैंक यू।